गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटाया। अभी जस्ट निकले हैं होटल से और आज का प्लान यही है, सिर्फ कोरल आइलैंड समथिंग है कुछ, यहाँ पर वही जाने का। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। यहाँ पर ऐसा टुक टुक बहुत चलता है, टुक टुक या टैक्सी बोल लो ऐसा। अभी निकलेंगे फिर यहीं कहीं आगे में इंडियन रेस्टोरेंट भरा हुआ है। इंडियन रेस्टोरेंट तो यहाँ पर हर एक दुकान के बगल में एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो अभी जाते हैं, थोड़ा कुछ नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे। उसको कोलार्न आइलैंड भी बोलते हैं शायद। यहाँ पटाया थोड़ा थोड़ा हिल स्टेशन भी जैसा लगता है, छोटा छोटा सा हिल है। और यहीं पर कहीं बिग बुद्धा का टेम्पल भी है। अभी जाते हैं, देखते टाइम मिलता तो थोड़ा देर में जाते। इधर से अच्छा की क्लब है। फिर से वही आ गया, वेलकम टू दिल्ली 32। यहीं बाहर दिल्ली 6 लिखा हुआ था ये रेस्टोरेंट। कल रात में डिनर यहीं किया था और अभी फिर से ब्रेकफास्ट करने यहीं पे। दिल्ली 6 यही तो था लीला क्लब जो रात में था। अच्छा ये रास्ता वही वॉकिंग स्ट्रीट निकल गया। तो हम लोग के होटल से तो जस्ट बगल में ही है, 100-200 मीटर। अरे ये क्या, द नशा क्लब। कल रात में कितना भीड़ था यार और अभी इतना सन्नाटा। कौन सा था पायर का नाम, बाली हिल समथिंग कुछ पायर का नाम है। यहीं से बोट मिलेगा उधर कोलार आइलैंड जाने के लिए, कोरल आइलैंड। मछली मार्केट है। कॉर्नर का नहीं, कॉर्नर बिल्डिंग में नहीं करना, आगे से वहाँ से आगे पड़ेगा। उधर से पटाया सिटी का वो बोर्ड। मजा आ रहा है।
सामने कोरा ले रहा है, बहुत तरह का राइड होता है, बनाना राइड ये सब, बट अपने को लगता है पानी से डर। सो भैया कहाँ गया? हाँ लास्ट वही 4 या 5 बजे से लिखा हुआ था, फ्रॉम हार्ट टेवन 16:17 PM। यहाँ का राजा यहाँ का कुछ रूल्स है कि यहाँ के राजा को आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये वो। यहाँ के खाने को आप मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम करेंगे, करिए। ये रहा कोरल आइलैंड। वेलकम टू कोरल आइलैंड। जा रहे अंदर एक बार नहाते हैं फिर उसके बाद। यहाँ पर बहुत सारा बीच है, ये ताइवान बीच है, उसके आगे एक दो और बीच है उधर साइड में कहीं, इधर से ऊपर वो पहाड़ में ऊपर कहीं कोई टेंपल है बुद्ध भगवान का, देखते हैं टाइम मिला तो जाते हैं। अभी थोड़ा सा अंदर पानी यहाँ का बहुत साफ है, क्रिस्टल क्लियर। आज नहाने चलेंगे आप? हमारे डायरेक्टर प्रकाश केसरी BNK सर, यहाँ पर तो थोड़ी देर अभी स्विमिंग किए, अब निकलते हैं थोड़ी देर में, यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। इधर कुछ दुकानें वगैरह हैं और वो रहा अपना सामने ही, वहीं कहीं बोट मिलेगा फिर उस पर निकलते हैं। इधर कुछ शॉप्स वगैरह हैं अंदर, कुछ अगर कोल्ड ड्रिंक खाना पीना यही सब, 7-Eleven है वहाँ पर। भाई थाईलैंड आना है तो 7-Eleven सही है, नॉर्मल फूड्स वगैरह मिल जाएंगे, बाहर का खाना तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। बट पटाया में तो सही था कि इंडियन रेस्टोरेंट भरा हुआ था, अभी बैंकॉक भी जाना है वहाँ तो इंडियन रेस्टोरेंट बहुत कम ही मिलेंगे। सब अच्छे अपने अपने फैमिली, बाहर से कंट्री के सब लोग अपने अपने फैमिली के साथ हैं, बच्चे लोग के साथ ही हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं सब। पिंटू भैया, पीयू और बाबू का याद नहीं आया? बच्चे लोग यहाँ है। अच्छा आपके बच्चे भी यहीं हैं, मम्मी भी होगी फिर? निकला जाए अब,
चलिए अब निकलते हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधे, अब ऊपर ऊपर जाके उधर से बोट लेना। क्या ये यहाँ पर भी उधर सामने होटल है, ये कोरल आइलैंड। अब यहाँ से निकल चुके हैं, सीधे फेरी या बोट जो भी बोलते हैं उसको मिल जाए टाइम से। 4 बजे है, कभी 10 मिनट टाइम है, फिर उसके बाद एक 5 बजे मिलेगी। बात फॉर रिटर्न, अब यहाँ से रिटर्न, अब सीधे पटाया। ये बोट अपने को पटाया लेके चलेगी, आधा घंटा टाइम लगता है यहाँ से जाने आने में। थैंक यू। पहुंच गए यहाँ पर पटाया, बाली हाई पायर कुछ करके है ये जगह। तार 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 यहाँ पर ग्रुप वाला, जिसका जिसका ग्रुप से जाता है सब ग्रुपिंग। अभी जस्ट निकले उधर बाहर और जाते हैं अभी होटल, थोड़ा देर आराम करते हैं फिर निकलेंगे खाना वाना खाने। चलिए